हाय गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। सो सीए फाउंडेशन स्टूडेंट्स के लिए जो दिसंबर 2022 में अपना अटेम्प्ट देने वाले हैं, अब से ठीक एक महीना रह गया अपने एग्जाम्स के लिए। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो जहां पर मैं आपके साथ डिस्कस करूं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको ध्यान रखने हैं इन द लास्ट 30 डेज ऑफ योर प्रिपरेशन। देखिए, जैसे कि मैं हमेशा से बोलता हूँ, आखिरी 30 दिन होते हैं जो सच में तुम्हारा रिजल्ट डिसाइड करते हैं। स्टार्टिंग के जो आपके समय है ना, जो 4-5 महीने से आप पढ़ रहे हो या 6 महीने से पढ़ रहे हो, उस समय आप सबने क्लासेस अटेंड करी होंगी, पहली बार सिलेबस को पढ़ा होगा। ठीक है जी, कुछ बच्चों ने शायद उस साथ ही रिवीजन करी हो, टेस्ट वगैरह करे हो, कुछ बच्चों ने शायद उस समय लाइटली लिया हो और ढंग से रिविजन ना करी हो। बट चाहे आप किसी भी कैटेगरी में हो, आखिरी 30 दिनों में जिस शिद्दत से, जिस डेडिकेशन से आप अपनी प्रिपरेशन करेंगे, जिस टाइम टेबल के हिसाब से अपनी पढ़ाई करेंगे, वो आपके रिजल्ट को डायरेक्टली डिटरमिन करेगा। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं 5 या 6 ऐसी बातें हैं जो आखिरी 30 दिनों में अगर आप फॉलो करेंगे, आप अपने रिजल्ट में पक्का पक्का इसका असर पाएंगे। ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं करके। सबसे पहली चीज, अच्छा मैं आपको बता दूं, आप सबको, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा हमारे अभ्यास सीरीज चल रही है सीए फाउंडेशन के लिए, जहां पर हम रिवीजन से लेकर टेस्ट से लेकर एबीसी एनालिसिस से लेकर क्वेश्चन प्रैक्टिस तक सब कुछ करवा रहे हैं। तो इसके अंदर जो टेस्ट सीरीज है वो बहुत ही जल्दी 13th से स्टार्ट होने वाली है, तो जरूर टेस्ट सीरीज का फायदा उठाइएगा। जो सिस्टमेटिक टेस्ट शेड्यूल है उन्हें दीजिएगा, और ये टेस्ट टोटली पूरी तरह से फ्री ऑफ कॉस्ट रखे गए हैं, ना सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए जो एवीजे के साथ एसोसिएटेड हैं, बट वो भी स्टूडेंट्स जो हमसे यूट्यूब के साथ एसोसिएटेड हैं। टेस्ट सीरीज वगैरह का शेड्यूल क्या है वो इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा ही मैं। अब 30 डेज में जो अगर मैं आपसे डिस्कस करूं, सबसे पहला डाउट जो बच्चों का होता है वो ये होता है, सर जब हम अपनी तैयारी करें डेली बेसिस पे, तो क्या हम ऐसे पढ़ें कि एक सब्जेक्ट उठाएं, उसको 5 दिन 4 दिन लगातार दिन रात पढ़ते रहें, उसको निपटाएं, फिर अगले सब्जेक्ट पे, फिर उसको 5-6 दिन पढ़ें, निपटाएं और आगे बढ़ें, या साइमल्टेनियसली हम अपने सब्जेक्ट्स को कंटिन्यू करिए। देखिए, मैं हमेशा मानता हूं कि जो सिंगल सब्जेक्ट प्रिपरेशन करने वाला फॉर्मूला होता है ना, कि आप दिन रात लग जाइए, 5 दिन के अंदर बस अपने सब्जेक्ट को निपटा दीजिए, ये ना प्रैक्टिकली इसमें 2 दिक्कतें आती हैं, मैं आपको बताऊं। पहली दिक्कत, आप सुबह से शाम तक अगर सेम सब्जेक्ट पढ़ेंगे तो ऑब्वियसली आप एट सम पॉइंट ऑफ टाइम बोर हो जाएंगे, आपकी बॉडी उस प्रोसेस करना ही बंद कर देगी उस सब्जेक्ट को, वेदर इट इज थ्योरी और प्रैक्टिकल। तो एक पहली प्रॉब्लम ये है। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि आप अगर एक एक करके पढ़ेंगे ना, तो अभी तो आपको लगेगा आपने जो सब्जेक्ट उठाया, जो भी आपने उठाया सबसे पहले, वो आपका अच्छा से हो गया है, बट बाय द टाइम आपने 4 सब्जेक्ट तक पहुंचेंगे, पहले वाला दिमाग से उड़ जाएगा। और आप सबको पता है हमारे सीए के अंदर सारे सब्जेक्ट्स इक्वली इंपॉर्टेंट है, फॉर द सिंपल रीजन दैट मिनिमम 40 तो सब में स्कोर करने हैं। तो आई ऑलवेज सब्जेक्ट सजेस्ट आपको दिन में एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट्स तो जरूर चलाने चाहिए, और आई ऑलवेज सजेस्ट एक थ्योरी लेके चलो, एक प्रैक्टिकल लेके चलो। और आपके फाउंडेशन में तो सब्जेक्ट भी इस तरह से हैं, एक थ्योरी है, एक प्रैक्टिकल है, अकाउंट्स और इको का कॉम्बो बना लो, मैथ्स और लॉ का कॉम्बो बना लो, या वाइस वर्सा, जैसे भी एक थ्योरी और एक प्रैक्टिकल कंटिन्यू करो, इससे आप अपने दिन की एफिशिएंसी सच में बढ़ते देखेंगे, नोट डाउन करके देखिएगा। ठीक है जी, सेकंड चीज, आपको ये बहुत जरूरी है कि आप अपने लिए डेली टारगेट और वीकली टारगेट रखें। जब तक आप टारगेट नहीं रख के बैठे ना, सुबह उठ के सिर्फ किताब खोल के बैठ गए हैं, आपको शाम तक पता ही नहीं चलेगा यार कि आप सही कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप सही दिशा में जा भी रहे हैं या नहीं जा रहे। तो डेली टारगेट और वीकली टारगेट जरूर रखिए। सर टारगेट तो हम रखना चाहते हैं, बट समझ में नहीं आता टारगेट किस तरह से बनाएं, तो मैं आपको एक बेस्ट तरीका देता हूं। हमने जो अपनी टेस्ट सीरीज अनाउंस करी है वो ये रहा हमारा, ये कैलेंडर है, 2 तरह से अवेलेबल है, मतलब मैंने शेड्यूल वाइज भी डेट वाइज भी बता दिया, और सब्जेक्ट वाइज अगर आप देखना चाहते हैं तो वो भी। ये जो शेड्यूल मैं आपका डिस्कस कर रहा हूं, इसको मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है। तो अगर आप, बेस्ट तरीका है, मान लो ये हमारा टेस्ट शेड्यूल स्टार्ट किया हमने, इस टेस्ट शेड्यूल के हिसाब से भी अगर आप चले ढंग से, आप 13 तारीख को, 15 तारीख को, 17 तारीख को, 20 तारीख को, इस तरह से भी चलते रहें, तो आप कहीं ना कहीं अपने डेली टारगेट सेट कर सकते हैं। कि अगर आपको पता है मेरे को अकाउंट्स का और मैथ्स का 15 को ये टेस्ट देना है, 17th को मुझे अकाउंट्स और मैथ्स का ये टेस्ट देना है, इस हिसाब से क्या कर लीजिए, आप अपना डेली शेड्यूल बना लीजिए। हो सकता है यहां पर टेस्ट देते समय आपके दोनों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट चले, कोई दिक्कत नहीं है। हो सकता है जैसे यहां पर लॉ और इको हमने क्या रखा है, हर 7-7 दिन बाद वीकेंड बाद कराएं, तो उस हिसाब से आप अपने डेली शेड्यूल बना सकते हैं, डेली प्लान बना सकते हैं, ताकि आप एक ना टारगेट हो जाएगा आपके पास कि मुझे उस दिन तक वो चैप्टर का टेस्ट देना है, तो मुझे वो कंप्लीट करना ही करना है। विदाउट टारगेट अगर आप आपकी 30 डेज में काम कर रहे हैं, बिलीव मी आपके पास कोई एफिशिएंसी निकल के नहीं आएगी। थर्ड चीज, जितना आप पढ़ते जा रहे हैं साथ साथ उसके टेस्ट भी देते जाइए।
नो डाउट फुल सिलेबस टेस्ट देने जरूरी है, बट साथ साथ मैं हमेशा कहता हूं जो टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज टेस्ट है ना वो सच में आपकी प्रैक्टिस कराते हैं। दैट इज वाई जो हमने अपनी टेस्ट सीरीज चालू करी है ना उसमें आप देखेंगे पहले टॉपिक वाइज टेस्ट हो रहे हैं, उसके बाद लास्ट में जाकर हमने क्या रखे हैं फुल सिलेबस टेस्ट रखे हैं। फुल सिलेबस टेस्ट इसलिए जरूरी है ताकि आप अपने टाइम मैनेजमेंट सीख सकें, मगर टॉपिक वाइज टेस्ट ना बेसिकली आपकी जो टारगेट बेस्ड स्टडी है उसकी फाउंडेशन रखता है ताकि आप टारगेट बनाएं और साथ साथ अपने आप को इवैल्यूएट करते रहें टेस्ट सीरीज के थ्रू। इस टेस्ट सीरीज के अंदर मैं आपको बता दूं जो पेपर नंबर 3 और 4 है वो तो आपके ऑब्जेक्टिव है, वहां पे आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आप खुद चेक कर सकते हैं। ऑन दी अदर हैंड पेपर नंबर 1 और 2 में आपकी टेस्ट को चेक करके इवैल्यूएट करके आपको वापस भी दिया जाएगा। ठीक है जी। तो अच्छा ये टेस्ट कहां पर अपलोड होंगे, हमारी जो ऐप है CA Knowledge Portal के ऊपर फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन के अंदर ये सारे टेस्ट अपलोड कर दिए जाएंगे ऑन द टाइम ऑन द डेट जो दे रखी है। जैसे 2:30 बजे का टेस्ट है उस समय आपको वो टेस्ट मिल जाएगा, उसका सॉल्यूशन भी वहां अपलोड कर दिया जाएगा। हाँ, जो पेपर नंबर 1 और 2 है उसको चेक करवाने के लिए इवैल्यूएट कराने के लिए आप अपनी आंसर शीट को स्कैन करके मेल आईडी पे भेजेंगे जो कि मेल आईडी टेस्ट के अंदर ही प्रोवाइडेड होगी। ठीक है जी। फिर अगली चीज सर, क्या हमें सिर्फ सिलेक्टिव स्टडी कर देनी चाहिए या हमें सिलेबस की फुल कवरेज करनी चाहिए? देखिए मैं हमेशा बोलता हूं इफ नॉट 100% आपको हर सब्जेक्ट की 90 से 95% कवरेज तो करनी चाहिए, क्योंकि आप 95% से 90% सिलेबस कवर करेंगे तब जाकर आप इस सिचुएशन में रहेंगे कि आप 80 नंबर से ऊपर जाकर अटेम्प्ट कर पाएंगे एंड तब उस सिचुएशन में आएंगे कि आप 50 अबव स्कोर कर पाएंगे। अगर आप पढ़ के ही 60-70 नंबर का जा रहे हो ना फिर भाई बहुत आप लक पे डिपेंडेंट हो, फिर तो भगवान भरोसे हो। तो इस तरह से मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं आपको फुल कवरेज करनी है, बट अगर आपके पास टाइम कम है या फिर आप अपने टाइम को ऑप्टिमम वे में यूटिलाइज करना चाहते हैं तो सेलेक्टिव स्टडी करने का सोच भी रहे हैं तो वहां पर बड़े इंटेलिजेंट वे में आपको सेलेक्टिव स्टडी करनी पड़ेगी। इसके लिए हमने हर सब्जेक्ट का ABC एनालिसिस है वो अपलोड कर दिया है। आप जब ये वीडियो देख रहे होंगे शायद वो ऑलरेडी अपलोडेड हो चुके होंगे या अभी इसके जस्ट बाद एक एक करके अपलोड होंगे। ABC एनालिसिस के अंदर आपको वो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और टॉपिक्स पता लग जाएंगे जो आप करेंगे तो आपके लिए एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। सो अगेन आई एम सेइंग फुल कवरेज करने की कोशिश करनी है, बट एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हमारे पास टाइम की कमी आ रही है या हम अपने टाइम को फोकस करना चाहते हैं तो एबीसी एनालिसिस के हिसाब से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को जरूर पढ़िएगा। फिर है सर कितने रिविजन्स पॉसिबल है? देखिए मैं हमेशा कहता हूं इट इज नॉट द नंबर ऑफ रिविजन्स दैट मैटर, इट इज द क्वालिटी ऑफ रिविजन दैट मैटर। तो आपके पास अगर 30 दिन है ना, ये मत सोचिए मैं 3 रिविजन करूंगा, जब तक मैं 4 रिविजन नहीं करूंगा। आप सिर्फ 1 रिविजन अच्छे से कीजिए, टेस्ट दीजिए और 1 रिविजन आप अपने एग्जाम से पहले कर रख लीजिए, दैट विल बी सफिशिएंट इनफ। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि मिनिमम इतने नंबर ऑफ रिविजन करो तो ही अच्छे मार्क्स आते हैं। तो इट इज ऑलवेज नॉट द नंबर ऑफ रिविजन दैट मैटर। अगर आप मेरे साथ एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। कहीं पर ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि अगर इतने करोगे तो ही होगा। आप अच्छे से रिवीजन करो तभी मैं कहता हूं रिवीजन के साथ साथ टेस्ट दीजिए, दैट इज द क्वालिटी ऑफ रिवीजन। अगर उस हिसाब से आप बढ़िया रिवीजन करके टेस्ट देकर और फिर लास्ट में रिवीजन करके फुल सिलेबस टेस्ट देंगे 2 रिवीजन इज मोर देन सफिशियंट। लास्ट में 1.5 डेज में जो प्रिपरेशन करनी है ना उसका प्लान हम आपको प्रोवाइड करेंगे किस तरह से करनी है, बट उसकी कुछ तैयारी आपको अभी से रखनी पड़ेगी। कैसे? अगर आप अभी कोई प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कर रहे हैं जिसके अंदर हर चैप्टर के अंदर लेट से 30 क्वेश्चंस हैं, 50 क्वेश्चंस हैं, तो आप अभी से हाईलाइट करने लग जाइए वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो इंपॉर्टेंट एरियाज जो आखिरी दिन आपको रिवाइज करने हैं। आखिरी 1.5 डेज में हमें टाइम नहीं मिलेगा सारे क्वेश्चंस फिर से देखने का, तो अभी जब रिवाइज कर रहे हैं मेक श्योर आप आखिरी दिन के लिए मार्किंग अभी से कर लें। सिमिलरली आपके जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं उसके अंदर आखिरी दिन रिवाइज करने के लिए इंपॉर्टेंट एरियाज फ्लो चार्ट्स के अंदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट करके रखिए, क्योंकि अगेन आखिरी दिन एक एक इलस्ट्रेशन एक एक क्वेश्चन पढ़ने का टाइम नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चंस में खासकर ध्यान रखिएगा जो भी चीज इंपॉर्टेंट लग रही है आप उसे हाईलाइट कर लीजिए या आपको अपना कोई कमेंट लिखना है उस क्वेश्चन के अंदर लिख लीजिए ताकि आखिरी दिन पूरा क्वेश्चन ना करना पड़े, सिर्फ वो कमेंट पढ़ के आगे चल सके। तो दीज आर सर्टेन थिंग्स विच आई वॉन्टेड टू डिस्कस
बस फिर से बोलूंगा, ये आखिरी 30 दिन आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस 30 दिनों में प्योरली डेडिकेटेड रहिए। फिर से आपको बता दूं, हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो 13th से स्टार्ट होने वाली है, इसका फायदा आप सब उठा सकते हैं। अगर आप इस टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्टर करना चाहते हैं, जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इस नंबर पे कॉल करके अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और टेस्ट आपको CA Knowledge Portal ऐप पर मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय, ऑल द वेरी बेस्ट।